हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिलाष पारक और आप देख रहे हैं लेखा पुस्तिका। आज हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट इज़ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स कॉमर्स स्ट्रीम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासकर अगर कोई स्टूडेंट 11th में कॉमर्स ले रहा है या CA फाउंडेशन या CS फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए अकाउंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। सर कैसे? इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आप सभी को लगता है कि आप अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हो और अकाउंट्स में बिजनेस, फाइनेंस, ट्रांजैक्शन ऐसे भारी भारी वर्ड्स आते हैं तो थोड़ा सा डर भी लगता है। चलिए आज एक आपको एक सरप्राइज देते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, आप अकाउंट्स लाइफ लॉन्ग करते हुए आए हो। सर कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग जब स्कूल जाते थे, आपका स्कूल एक टाइम पे स्टार्ट होता था, से 10 o'clock। 10 o'clock साइंस की फैकल्टी आई, उन्होंने आपको कुछ पढ़ाया और आपने उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया उस लेक्चर के दौरान। उसके बाद मैथ्स के टीचर आए, उन्होंने कुछ पढ़ाया, उसको भी आपने रिकॉर्ड किया। उसके बाद से सोशल साइंस की टीचर आए, उन्होंने कुछ पढ़ाया, उसको आपने रिकॉर्ड किया। सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपके 6 lectures यूं चलते थे। बट आप रिकॉर्ड कैसे करते थे? सब कुछ एक ही नोटबुक में? बैक बेंचर्स थे क्या? नहीं, हम पढ़ने वाले बच्चे थे सर, हम हर सब्जेक्ट की अलग नोटबुक रखते थे, साइंस की अलग, मैथ्स की अलग, सबकी अलग अलग। जब आपका स्कूल ख़त्म होता था, जब आप घर पहुंचते थे, घर पहुंचते ही आपके पेरेंट्स आपसे पूछते थे, बेटा स्कूल में क्या पढ़ा? तो क्या बोलते थे कि 10 बजे साइंस का लेक्चर हुआ, 11 बजे मैथ्स का लेक्चर हुआ, 12 बजे सोशल साइंस का लेक्चर हुआ। मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर में आप सारी चीज़ों को रिपोर्ट करते थे। पता बच्चों, यही तो अकाउंट्स होती है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ, अकाउंट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट इवेंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। किसी भी पास्ट इवेंट को अगर एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करके आप उसको रिपोर्ट करते हो, वो अकाउंट्स होती है। तो सर ये फाइनेंस बिजनेस क्या? वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आते ही वर्ड क्या जुड़ जाता है? फाइनेंस। तो अब इवेंट्स से हम क्या आ जाते हैं? मॉनेटरी इवेंट्स में। मतलब जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, तो वहां पे उन्हीं इवेंट्स की रिकॉर्डिंग होगी जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में इवैल्यूएट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हो गई? नॉट मच डिफरेंस, बट अकाउंटिंग में इवेंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन। तो आपकी स्क्रीन में आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये ही बेस बनता है सारे स्टेक होल्डर के डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर हुआ? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हुआ कि आपने बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। अकाउंट्स और कुछ नहीं होता है बेटा। क्लियर है? अब अकाउंटिंग के डेफिनेशन के थोड़े बारीकी पे चलते हैं, उनके फीचर्स के बारे में बात। तो पहला फीचर होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी जैसे कि मैंने कहा कि इवेंट और ट्रांजैक्शन, तो पहले हम बात करते हैं इवेंट की। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। स्कूल से आते थे, मम्मी खाना खिलाती थी प्यार से, और क्या बोलते थे? मम्मी यू आर सो स्वीट, आई लव यू। मम्मी खुश हो गई, आपने खाना खा लिया। अब जब रिजल्ट आता था, आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई रैंक लेके आते थे, तो आपके पेरेंट्स आपको कहीं होटल में खाना खिलाने लेके गए,
वहाँ पे मम्मी नहीं खाना परोसती थी, वहाँ वेटर अंकल आते थे, वो खाना परोसते थे, आप खाना खाते थे। क्या वहाँ पे कहते थे अंकल यू आर सो स्वीट आई लव यू, क्या बोल के निकल सकते थे? नहीं। वहाँ पे क्या होता था, जैसे ही आपने खाना फिनिश किया वेटर अंकल ले आते थे बिल, पापा बिल चुकाते थे, फिर ही आप वहाँ से जा सकते थे। तो दोनों ही केस में आपने खाना खाया, लेकिन एक जगह आपने आई लव यू बोल के मम्मी को टरका दिया चल गया, और एक जगह आपने पैसे चुकाए। बात समझ में आई? तो जैसे ही आपने पैसे चुकाए वो इवेंट किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांजैक्शन में। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? इवेंट कैन बी एनी इवेंट बट ट्रांजैक्शन मस्ट रिक्वायर अ मॉनेटरी वैल्यू। तो उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है। अब आते हैं हिस्टोरिकल नेचर। मैंने कहा पास्ट इवेंट, पास्ट का मतलब क्या हुआ, हिस्टोरिकल इवेंट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन होने के बाद ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, उससे पहले रिकॉर्ड नहीं होगा। अकाउंट्स इज नॉट फॉरवर्ड लुकिंग, इट इज बैकवर्ड लुकिंग। जो हो चुका है उसी को रिकॉर्ड करेंगे। सर कैसे? एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके साथ। आप एक स्टोर पे गए, आपने कुछ परचेज किया, तो वहां पे क्या ट्रिगर हुआ, ट्रांजैक्शन। जैसे ही आपने पैसा दिया, कैश काउंटर से सामने वाली पार्टी ने आपको क्या पकड़ा दिया, रसीद, बिल, जिसको हम क्या कहते हैं, वाउचर्स। वाउचर का मतलब क्या हुआ, प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन। उसके बाद आप क्या करते हो, अब जैसे आपके पास प्रूफ आया, घर आए, उस प्रूफ के बेसिस पे आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया। यही बिजनेस करता है, पूरे दिन वो ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होता है, वाउचर्स एक्यूमुलेट करता है। वाउचर्स एक्यूमुलेशन के बाद ही उसी वाउचर के बेसिस में बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। एस्टिमेटेड बेसिस पे कोई भी चीज बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगी। समझ में आया? तो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस ही बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, ना कि कोई और। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक मैनर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे क्लासरूम में हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक मेंटेन करते थे, वैसे के वैसे बिजनेस में हर अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग नोटबुक्स या बुक्स ऑफ अकाउंट या लेजर्स, कोई भी नाम से पुकारो, वो प्रिपेयर होते हैं, ताकि वो एक क्लासिफाइड मैनर में रिकॉर्ड किया जा सके। पॉइंट समझ में आया? तो बिजनेस में सब कुछ एक ही नोटबुक में नहीं आ जाएगा, एक सिस्टम से हर ट्रांजैक्शन हर इवेंट के लिए अलग से बुक्स प्रिपेयर की जाएगी। नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट एंड टाइम। मतलब अगर कोई इवेंट हुआ है एक तारीख को और कोई इवेंट हुआ है दो तारीख को, आपके बुक्स में एक क्रोनोलॉजी से वो इवेंट रिकॉर्ड होगा। मतलब इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मतलब एक तारीख को जो रिकॉर्ड हुआ है वो पहले रिकॉर्ड होगा और दो तारीख को हुआ है वो बाद में रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली टाइम का भी प्रेफरेंस रहता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन 10 बजे ऑकर हुआ है और कोई ट्रांजैक्शन 11 बजे हुआ है, तो पहले रिकॉर्ड किसको करोगे, 10 बजे वाले ट्रांजैक्शन को, उसके बाद 11 बजे वाले को। समझ में आया कि नहीं है? तो अकाउंट्स में हमेशा क्रोनोलॉजी प्रिवेल करेगी, डेट एंड टाइम की। कोई भी तरह की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप क्या स्कूल में ऐसे करते थे कि जब रिपोर्टिंग करते थे पहले थर्ड लेक्चर के बारे में समझाया फिर फर्स्ट के बारे में? नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। वैसे बिजनेस में भी डेट एंड टाइम विल टेक द प्रेफरेंस फॉर रिकॉर्डिंग। पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स?
लास्ट में आता है रिपोर्टिंग, पूरे अकाउंट का सार। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? एक ही ऑब्जेक्टिव है, रिपोर्टिंग के लिए। मतलब आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने नाम सुना होगा जो आप प्रिपेयर करते हो, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी ना। ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? हम स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि घर में मम्मी बैठी है, वो पूछेगी। तो यहाँ पे भी बिजनेस जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करता है, कोई ना कोई बैठा है जो पूछेगा। दे आर नोन एज स्टेक होल्डर्स। अब ऐसे तो स्टेक होल्डर्स बहुत होते हैं। जो भी बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा, बिजनेस के एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड होगा, वो स्टेक होल्डर है। बट यहाँ पे मैं सिर्फ दो मेजर पार्टीज की बात करूँगा। पहला आता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सर गवर्नमेंट को क्या मतलब है? बेटा गवर्नमेंट की रेवेन्यू हमसे ही आती है जब हम साल के एंड में टैक्सेस देते हैं। किसके ऊपर? हमारे इनकम के ऊपर। क्या कहते हैं उसको? इनकम टैक्स। तो जब तक आप अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करोगे, बिजनेस अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करेगा, क्या वो इनकम जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। तो क्या वो इनकम टैक्स पे कर पाएगा? सर नहीं कर पाएगा। वैसे का वैसे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ओनर, जो बिजनेस चालू किया है, जिसने पैसे लगाए हैं, रिस्क बियर किया है, उसको भी तो जानना होता है इस बिजनेस से मैंने कितना कमाया। तो फाइनेंशियल अकाउंट इन दो मेजर पार्टी को रिपोर्ट करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हुआ? तो अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ऑफ एनी पास्ट इवेंट, फाइनेंशियल अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट फाइनेंशियल इवेंट। पर्पस क्या है? रिपोर्टिंग। क्लियर है? अब जब हमने बात की फाइनेंशियल अकाउंट की, तो सबसे पहले आया ट्रांजैक्शन और उसके बाद आया सिस्टम। तो जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, कोई भी आप ट्रांजैक्शन देख लो, कैसा भी ट्रांजैक्शन, एग्जांपल देता हूं, आपने किसी को माल बेचा, चाहे उसने उसके अगेंस्ट में कैश दिया हो या नहीं दिया हो, देगा तो कैश ट्रांजैक्शन, नहीं देगा तो मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश में हिंदी में बता रहा हूं, उधार का ट्रांजैक्शन। आप कंफ्यूज हो जाएंगे आगे कल से। कैश दिया तो कैश ट्रांजैक्शन, नहीं दिया तो उधार का ट्रांजैक्शन, हिंदी यूज कर रहा हूं, इसका एक लॉजिक आगे बताऊंगा आपको। चाहे कैश में आपने माल बेचा हो, तो बिजनेस से क्या गया? गुड्स आया। क्या? कैश। दो एस्पेक्ट्स, कैश एंड गुड्स। उधार में दिया है तो गुड्स गया, और दूसरा जिसको गया उसका नाम याद रखो, आगे पैसे लेने हैं, अगेन दो एस्पेक्ट्स। सेकंड, ट्रांजैक्शन का मेन इंपॉर्टेंट क्या था? मॉनेटरी वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। तो मॉनेटरी किस में आती है वैल्यू? अरिथमेटिकल वैल्यू में। मतलब 100 रुपये, 200 रुपये ऐसे ही बोलते हो ना, तो जैसे अरिथमेटिकल वैल्यू आती है, अकाउंट्स का एक सिस्टम हम बोरो करते हैं, दैट इज द इक्वेशन सिस्टम, LHS एंड RHS। तो जैसे LHS RHS आता है, एक अकाउंट्स में एक सिस्टम क्रिएट होता है ऑफ रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जैसे कैश और गुड्स हो गया, द थर्ड पार्टी एंड द गुड्स हो गया, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या किया? बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में दो एस्पेक्ट ले आए, LHS एंड RHS। अगर अकाउंट्स के लैंग्वेज में कहूँ तो डेबिट एंड क्रेडिट। दिमाग में सिर्फ इतना रखना, डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड, जस्ट लाइक योर इक्वेशन LHS एंड RHS। एक चीज LHS में आए रिकॉर्ड होगी और दूसरा एस्पेक्ट RHS में। अब कौन सी चीज LHS में आएगा, कौन सी चीज RHS में आएगा, ये अपन आगे के लेक्चर्स में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रखनी है, डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड। समझ में आया? थोड़ा सा बुकिश नॉलेज भी ले लेते हैं। जब हम डेबिट की बात करते हैं, एक लैटिन वर्ड से आता है डेबिटम, इसका मतलब होता है द बेनिफिट रिसीविंग एस्पेक्ट, और क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडायर, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रेडायर, द बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट। मतलब अगर बिजनेस से किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो LHS, अगर बिजनेस को कोई बेनिफिट दे रहा है तो RHS, डेबिट एंड क्रेडिट।
थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो अपन वापस से फर्स्ट लाइन देखेंगे जानने के लिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड, और एक सिक्के के दो पहलू की तरह आप हर समय आपस में लड़ते रहेंगे। हम लोग को हमेशा इन दोनों को बैलेंस करके चलना है, जस्ट लाइक एनी मैथमेटिकल इक्वेशन। LHS शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू RHS, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहेगा। समझ में आया? तभी बैलेंस रहेगा, बैलेंस तभी बना रहेगा। डेबिट क्रेडिट समझ में आया बच्चों? तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स बताएं कि इस लेक्चर को मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।